महासमुंद से अब खबर, जहां हाथियों के दल का उत्पात देखने को मिला। फसलों को हाथियों के दल ने नुकसान पहुंचाया। फुसेरा और लहंगर पहुंचा हाथियों का दल, हाथियों को भगाने में ग्रामीण जुटे। तो आपको बता दें कि हाथियों के दल ने एक बार फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। हाथियों के दल ने उत्पात मचाया और ग्रामीण इनको भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हाथियों ने उत्पात मचाया, दूसरी तरफ ग्रामीण इनको भगा रहे हैं। और सीधा रुख करेंगे, हकीमुद्दीन नासिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हकीमुद्दीन, कितने हाथियों का दल पहुंचा और ग्रामीण किस तरीके से परेशान हो रहे हैं? अंजलि, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि 5 हाथियों का एक दल गरियाबंद सिंगेश्वर से होते हुए बीती रात लहंगर गांव के धान खरीदी केंद्र में रखे हुए धान को खाने की कोशिश कर रहा था। इसी पर ग्रामीणों द्वारा मसाल लेकर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की गई। उनकी कोशिश कामयाब हुई, हाथी आगे तो बढ़ गए, पर उसी में से 4 हाथी फुसेराडी के एक ग्रामीण के घर में रखे धान को खाकर नुकसान पहुंचाए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है, पर फसल नुकसान और धान का नुकसान लगातार हो रहा है। यदि हम बात करें, 6 सालों में फसल नुकसान 5 करोड़ का मुआवजा हो चुका है। वहीं अभी तक के 28 से 30 मौतें हुई हैं और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं इन हाथियों के उत्पात से। बिल्कुल, यानी कि ग्रामीणों में जो दहशत है, एक तरफ तो वो बरकरार है, दूसरी तरफ ग्रामीणों में ये भी डर बना हुआ है कि उनकी जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ये हाथी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए हकीमुद्दीन।